तो एक फार्मर भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा कि 45 फीट चौड़ा जो है फार्म बनाना चाहते हैं, किंतु उनका कहना था कि 45 फीट चौड़े फार्म को वह कुछ समय के लिए 2 बेच या 4 बेच जो है ओपन फार्मिंग करेंगे, उसके बाद में इसी फार्मिंग करेंगे, तो क्या यह संभव हो पाएगा। तो दोस्तों अब हम दोनों के जो है फार्म के कार्य करने के तरीके के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ये हमने यहाँ पे बनाया ओपन पोल्ट्री फार्म और यहाँ पे बनाया हमने इसी पोल्ट्री फार्म, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है, किंतु जब हम फार्म को कन्वर्ट कर देते हैं ये ओपन पोल्ट्री फार्म और ये इसी पोल्ट्री फार्म में, तो दोनों का जो है कार्य करने का जो तरीका जो है वह चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ओपन पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे होता क्या है कि हवा जो है एक साइड से आती है दूसरे साइड से निकल जाती है, एक साइड से आती है दूसरे साइड से निकल जाती है, किंतु दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्म का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो है कूलिंग पैड लगता है, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्रंट पे भी लगा दिया, यहाँ पे साइड में भी लगा दिया, साइड में भी लगा दिया, और यहाँ पे हमारा लगता है एग्जॉस्ट फैन। तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर से हवा को खींच के बाहर निकालता है और कूलिंग पैड से जो है फ्रेश हवा या ठंडी हवा जो है कूलिंग पैड के से जो है फार्म के अंदर आती है। तो यह हो गया हमारे इसी फार्म का काम करने का तरीका और यह हो गया हमारा ओपन पोल्ट्री फार्म करने का तरीका। दोस्तों अब जितना ज़्यादा जो है फार्म चौड़ा रहेगा उतना जो है यह हवा जो है क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी, हवा यहाँ से आ तो गई किंतु यहाँ से जो है फार्म के बाहर जो है दूसरी साइड में हवा नहीं निकल पाएगी। दोस्तों इसके कारण जो है हवा अगर नहीं जाएगी या फिर इन दोनों के बीच में अगर ये हवा रुक जाएगी, तो हवा रुक गई मतलब मान के चलिए वहाँ पे जो है गैस रुक जाएगी, अमोनिया गैस जो है रुक जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ा तो मुर्गियों को जो है टेम्परेचर से जो बहुत बड़ी दिक्कत हो, एक तो अमोनिया गैस से नुकसान होगा ही कि हमारे मुर्गियाँ ग्रोथ नहीं लेगी, दूसरा जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण मुर्गियों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अगर हवा का वेंटिलेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यह हमको कब दिक्कत देगी, जब हमारी मुर्गियाँ बड़ी हो जाएगी। छोटी मुर्गियों में यहाँ पे इसी ओपन पोल्ट्री फार्म में कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं होती, यह समस्या होती है हमें जो है जब बेच हमारा निकलने वाला होता है और 30 दिन के बाद में जो हमारा मोर्टलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों हवा जो है जितना ओपन पोल्ट्री फार्म जैसे मान लीजिए 30 फीट है, अगर यहाँ पे 28 फीट अगर रहेगा तो 30 फीट से अच्छा रिजल्ट जो है 28 फीट वाला देगा, अगर ये 26 फीट अगर रहेगा तो 30 फीट से अच्छा रिजल्ट जो है 26 फीट वाला देगा। यह होता है दोस्तों ओपन पोल्ट्री फार्म की टेंडेंसी और कार्य करने का तरीका। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो है जितना चौड़ा पोल्ट्री फार्म बनाते जाएंगे ओपन पोल्ट्री फार्म, वहाँ पे जो है हमारे फार्म का रिजल्ट और एफिशिएंसी जो हम कम करते चले जाएंगे, हमारे फार्म का रिजल्ट भी बिगड़ेगा और उस फार्म की जो एफिशिएंसी रिजल्ट के जो काम कार्य करने का जो तरीका है वो भी हमारा बिगड़ता चला जाएगा। अब हम दोस्तों हम इसी पोल्ट्री फार्म में देखते हैं कि यहाँ पे जो है हवा जो है कूलिंग पैड से सीधे आके फार्म के अंदर जो है चली जाती है, बाहर निकल जाती है। दोस्तों आप चाहे यहाँ पे आप इसमें जो चाहे फार्म की चौड़ाई आप 45 फीट रखें या फिर पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई आप जो है 30 फीट रखें, दोस्तों आपके फार्म में के एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। हाँ यहाँ पे दो चीज़ है कि जितना ज़्यादा लंबा कर फार्म अगर रखें, ये ओपन पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा, किंतु दोस्तों ऐसा इसी पोल्ट्री फार्म में नहीं होता। जहाँ पे कूलिंग पैड रहता है वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, मीडियल में इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लास्ट में यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इससे होता क्या है कि गर्मी के समय में यहाँ तक का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, जहाँ तक कूलिंग पैड की हवा अच्छी जहाँ तक जा रही है, मान लीजिए फार्म के जो है 40% हिस्से तक जो है रिजल्ट आपको गर्मी में बहुत शानदार देखने को मिलेगा, बचे हुए हिस्से में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिलेगा और लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता किंतु यह वास्तविकता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है गर्मी के समय में यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डाउन रहेगा, यहाँ पे वो डिवेट थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पे बहुत शानदार रहेगा, तो एवरेज जो है हमारा सही बन जाता है। ठंड में थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे जो हवा यहाँ पे आती है तो ठंडी हवा यहाँ पे आती है और उसके कारण थोड़ा सा जो है यहाँ पे कूलिंग पैड भी के कारण